तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पीवीआर और आईनॉक्स के बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने स्क्रीन ओपन करने जा रहे हैं और कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे रिलेटेड काफी बड़ी बड़ी खबर है आज की, अभी की ताजा खबरें हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दोनों ही शेयरों के बारे में बताएंगे और चार्ट चेक करके एनालिसिस बताएंगे। साथ ही दोस्तों, लगे हाथों हम लोग डिश टीवी के शेयर की भी न्यूज आ रही है, उस पर भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों, हम लोग न्यूज की स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं हम लोग चार्ट चेक, दोस्तों हम लोग बाद में करेंगे, और ब्रेकआउट पे खड़े हुए आईनॉक्स पीवीआर दोनों के ही स्टॉक। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन क्या रहे, उसमें ट्रेडेड वॉल्यूम क्या रहे। तो दोस्तों केवल 6 लाख वॉल्यूम ट्रेडेड रहे आईनॉक्स के, और 32% की डिलीवरी, जो कि एक अच्छी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कही जाएगी, और रिस्क काफ़ी कम है। अब इस शेयर में 21% के आसपास का रिस्क है। वहीं दोस्तों दूसरे शेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवीआर में भी लगभग 9 लाख के आसपास वॉल्यूम रहे और 31% की डिलीवरी, और इसमें भी रिस्क काफ़ी कम है, 20% के आसपास का रिस्क है। अब अगर हम दोस्तों डिश टीवी का देखें तो ये काफ़ी चर्चित स्टॉक रहता है, क्योंकि इसके केसेस वगैरह सेटलमेंट के लिए। तो दोस्तों इसमें 49% की डिलीवरी है, 84 लाख ट्रेडेड वॉल्यूम रहे। तो ओवरऑल दोस्तों ये भी मिडिल जोन पे है, 8 रुपये का लो है, 23 रुपये का हाई बनाया, तो ओवरऑल ये इसके पर भी ठीक ठाक है एनएससी की डिलीवरी। अब अगर हम दोस्तों डिश टीवी की न्यूज करें तो डिश टीवी फाइल्स द सेटलमेंट विद द सेबी वाइल इंडिपेंडेंट। तो डिश टीवी ने सेटलमेंट के लिए फाइल कर दिया है, और दोस्तों कहीं ना कहीं इसका अगर जिस दिन भी सेटलमेंट होगा ये शेयर आपको भागता हुआ नजर आ सकता है। वही दोस्तों बड़ी खबर है पीवीआर की तरफ से, अभी की खबर है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 14 अप्रैल की खबर है, आज ही की है। और वो खबर है दोस्तों कि ओपनिंग ऑफ 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेस फोरम गैलेरिया मॉल एट राउरकेला उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों ये लोग 6 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स खोल रहे हैं, जो कि गैलेरिया मॉल में होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से एक बड़ी खबर है, 3D कंटेंट भी रहेगा इसमें, तो एक ओपनिंग कर रहे हैं, और टोटल जो इनके हो चुके हैं वो 854 स्क्रीन्स हैं एट 173 प्रॉपर्टीज इन 74 सिटीज इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो दोस्तों एक ये भी नया एक 6 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स ओपन कर रहे हैं पीवीआर, तो इसके लिए एक बड़ी खबर है। वही दोस्तों आईनॉक्स के लिए अगर देखें तो आईनॉक्स के लिए भी बड़ी खबर, ये भी दोस्तों आज की खबर है 14 अप्रैल की, आप देख सकते हैं यहाँ से खबर निकल के आ रही है गुड़गांव हरियाणा से, गुरुग्राम हरियाणा से। वो ये दोस्तों कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्स सिनेमा को लीज बेसिस पे लिया गया है, लोकेटेड एट आईनॉक्स लीजर, और इसका फ़ायदा ये जॉय स्ट्रीट मॉल है, इसमें इनको फ़ायदा मिलता नजर आएगा। ओवरऑल जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा है 6 स्क्रीन्स हैं इसमें 940 सीट्स के, और आईनॉक्स का 72 सिटीज़ में 161 मल्टीप्लेक्स हैं जिसमें 681 स्क्रीन्स हैं। तो दोनों ही दोस्तों कह सकते हैं कि ओवरऑल आईनॉक्स और पीवीआर दोनों के लिए बड़ी खबरें हैं, और पीवीआर ने एक नया 6 स्क्रीन का ओपन किया है, वहीं आईनॉक्स ने लीज पे दिया है कॉमर्शियल ऑपरेशंस के लिए मल्टीप्लेक्स सिनेमा को। तो दोनों के लिए बड़ी खबर, और साथ में दोस्तों डिश टीवी का सेटलमेंट भी। अब अगर दोस्तों इसके चार्ट चेक करें, बेहतरीन चार्ट करंट वैल्यू पे आईनॉक्स का नज़र आएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट जोन है दोस्तों, ये 411 के आसपास ये, और ये इसका ब्रेकआउट जोन था दोस्तों यहाँ पे 513 इसका ब्रेकआउट जोन है, और यहीं से छोटा सा एक 486 का स्टॉप लॉस। तो अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो 486 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ये शेयर आपको दोस्तों 560 के जोन में आता हुआ नजर आ सकता है, ये क्रॉस भी कर सकता है, और बहुत जल्दी दोस्तों हम लोग 600-700 के जोन में आईनॉक्स को जाते हुए नजर रखें। तो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं तो 418 का स्टॉप लॉस लगाएं, जो कि इसका डे मूविंग एवरेज भी है 50 डे, तो 418 का स्टॉप लॉस लगाइए, और अपसाइड दोस्तों 700 प्लस के टारगेट
विद इन 3 to 6 month हम लोग अचीव कर सकते हैं आइनॉक्स में। वही दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे के लिए परफेक्टिव जा रहे हैं या स्विंग ट्रेड के लिए, तो 486 का स्टॉप लॉसेस लगाएं और अपसाइड दोस्तों 540 to 560 तक के टारगेट आ सकते हैं आइनॉक्स के शेयर में। वही दोस्तों, दूसरा शेयर है PVR। PVR भी दोस्तों ब्रेकआउट के आसपास ही आ गया है। इसका ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पे 2100 के आसपास। जैसे ही 2100 क्रॉस करेगा 2300 to 2400 के टारगेट नजर आ जाएंगे। इसमें जो स्टॉप लॉसेज हम लोग लेके चलेंगे वो लगभग ये जो जोन था इसको इसने क्रॉस किया था, तो ये लगभग 1845 के आसपास के जोन है, 1819 का। तो 1819 के स्टॉप लॉसेज लगाएं और हम लोग 2300 से 2400 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में रख सकते हैं। वही दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म और व्यू है तो यहाँ से दोस्तों 1586 के स्टॉप लॉसेस लगाए और अपसाइड 2500 से 3000 के भी टारगेट इसमें आ सकते हैं। अब वही दोस्तों, दूसरा शेयर बात करते हैं डिश टीवी। डिश टीवी आप देखिए तो रेंज बाउंड एक फंसा हुआ है। एक साल का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे एक बॉटम यहाँ से फॉर्मेशन हुआ, वो एक लगभग ये 14.60 रुपये का जोन है और अपसाइड दोस्तों यहाँ से ये एक रजिस्टेंस, तगड़ा रजिस्टेंस है 23 रुपीज़। इसी के बीच में टहलता रहा शेयर। तो अगर आपको यहाँ करंट लेवल से बाई करना है तो 14 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉसेस लगाइए और अपसाइड बहुत ही जल्दी दोस्तों 19 से 20 रुपये के लेवल और फिर 24 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। तो दोस्तों, चूँकि पेनी स्टॉक है तो इस पर थोड़ा सा नज़रिया कह सकते हैं, और ये तीनों ही शेयर बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहे हैं। तो PVR और आइनॉक्स, मेरी फर्स्ट चॉइस आइनॉक्स पे होगी, दूसरा PVR एंड देन डिश टीवी। तो डिटेल्ड एनालिसिस उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।